चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रमुख और अहम खबरें लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ रिंकी वाजपेयी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सासाराम ब्लास्ट पर डीजीपी का बड़ा खुलासा, बोले बम बनाने वाले ही हुए घायल, इलाज के बाद करेंगे अरेस्ट। बिहार में हिंसा को लेकर विपक्ष, पुलिस प्रशासन और सरकार पर हमलावर है। इन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। राज्य के डीजीपी आरएस भट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सासाराम में हुए ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया। नीतीश कुमार ने उपद्रवी की पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मृतक के परिजनों को मिलेगा 5 लाख मुआवजा। नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी बनाए रखे, उपद्रवी की पहचान करके उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसी भी परिस्थिति में कोई गड़बड़ी न हो पाए इस पर नजर रखें। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मेंटेन रखें। बिहार में सद्भाव बिगाड़ने पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही। तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा, बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने के लिए किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, 40 की 40 सीटें दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे। बिहार के नवादा में बोले अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। बिहार में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। अमित शाह ने कहा कि लालू के बेटे ने नीतीश को सांप कहा, पलटू राम कहा, यहां तक कि गिरगिट पे कह डाला, लेकिन नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके साथ चले गए। अमित शाह ने कहा, मैं बिहार की जनता और ललन बाबू को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चुनाव परिणामों के बाद भी नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। राम पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में चिराग ने लिखा, महोदय आप बिहार के दौरे पर आए हैं, यहाँ के ताजा हालात के बारे में जानते हैं। रामनवमी के दौरान बिहार शरीफ, नालंदा और सासाराम में भड़की हिंसा की आग में बिहार जल रहा है। राज्य सरकार और सुरक्षा व्यवस्था इस हिंसा को रोकने में विफल रही है, इस वजह से लोग डरे हुए हैं। सीएम नीतीश से लोगों का विश्वास उठ चुका है। सीएम नीतीश से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। प्रदेश के हित में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपसे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। नालंदा में इंटरनेट सर्विस पर 4 अप्रैल तक के लिए रोक। रामनवमी उत्सव के दौरान हिंसा के बाद अलर्ट मोड में सरकार। बिहार में बिगड़े हालात पर हाई लेवल मीटिंग। तीश ने अफसरों की लगाई क्लास, मृतक के परिजनों को मिलेगा 5 लाख मुआवजा। नालंदा और सासाराम में बिगड़े हालात पर नीतीश कुमार ने सीएम आवास में अफसरों की क्लास लगाई। उपद्रवी की पहचान कर उन सख्त से सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। साथ ही मीडिया में हर अपडेट की जानकारी देने को कहा ताकि किसी तरह की अफवाह न फैले। राहुल गांधी मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में अपील करेंगे। इस दौरान वे अदालत में मौजूद रहेंगे। 2019 में मोदी सरनेम पर दिए बयान से जुड़े केस में इसी अदालत ने 30 मार्च को उन्हें सजा सुनाई थी। सजा के आधार पर 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके अगले दिन 25 मार्च को राहुल ने कहा, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।